डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल हम हेलो एरिन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें बनाने की विधियां चल रही थी, जिसमें फर्स्ट थी हेलोजेनिकर कंप्लीट हो गई थी। नंबर दो डाइएजोनियम लामोस है, डाइएजोनियम लवणों से, डाइएजोनियम लवणों से इसे डाइएजोटीकरण भी कहते हैं। डाइएजोटीकरण, ठीक। देखो एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, इस अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl की क्रिया करवा दो, क्या बनेगा? Na+NO2- H+Cl-, H+ यहां से NO2- यहां से क्या बन जाएगा? HNO2 नाइट्रस अम्ल प्लस NaCl, ठीक। तो इस अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है NaNO2+HCl की क्रिया से। तो देखो एनिलीन की क्रिया, एनिलीन यहां पर जैसे हम NH2 लगाते हैं, NH2 इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करा दो, N डबल बॉन्ड में OH नाइट्रस अम्ल, ठीक। 273 से 278 केल्विन ताप पर, कम ताप पर आपको पता है H2 यहां से और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? माइनस से H2 या डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक। N डबल बॉन्ड में NOH बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया HCl के साथ करा दो प्लस HCl, क्या बन जाएगा? H प्लस यहां से OH माइनस यहां से माइनस H2O, ये बेंजीन रिंग, ठीक। N डबल बॉन्ड में N और ये Cl, N डबल बॉन्ड में NCl, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक। तो देखो एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ कम ताप पर कराने से, एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कम ताप पर कराने से बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनता है, जो HCl से क्रिया कर, जो HCl से क्रिया कर बेंजीन डाइएजोनियम, जो HCl से क्रिया कर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है, क्लोराइड
बनाता है। इस अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है NaNO2HCl की क्रिया से। इस अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। ठीक, तो इस अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। ठीक, और इसे हम डाई एजोनियम लोन बन रहा है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं डाई एजोटीकरण। डाई एजोनियम समूह का बनना ही कहलाता है डाई एजोटीकरण। अब देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हेलो एरिन निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखो, डाई एजोनियम लमों से एरिनालाइड निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, डाइजोनियम लवणों से एरिनालाइड निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अभी बना था, इसको हम ऐसे लिखते तो कि जैसे C6H5 एन डबल बॉन्ड में NCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस HCl, क्यूप्रस लवण Cu2Cl2 की उपस्थिति में। अब आपको पता है H यहां से Cl यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, और N2 यहां से क्या बन जाएगी, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस N2 और प्लस HCl। इसी प्रकार से देखो कि C6H5 एन डबल बॉन्ड में NCl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस HBr से करवा दो, संगत लवण लेते हैं Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड, ये था क्यूप्रस क्लोराइड। अब आपको पता है H प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, ये N2 यहां से, तो क्या बन जाएगी C6H5Br ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl, HBr। ठीक है ना, HCl है ना, C6H5 यहां से Br, C6H5Br प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है, देखो ये दोनों अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। सैंडमायर अभिक्रिया देखो, गाटरमान अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया का संशोधित रूप है, बस गाटरमान अभिक्रिया में यहां पर उपस्थिति चेंज हो जाएगी। कैसे, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में होगी, तो C6H5 एन डबल बॉन्ड में NCl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस HCl कॉपर चूर्ण है। उसी प्रकार से देखो, ये HCl यहां से N2 यहां पर, ये Cl यहां जुड़ जाएगी, तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस N2 और प्लस HCl। ठीक, इसी प्रकार से C6H5 N डबल बॉन्ड में NCl
प्लस एच बी आर कोपर चूर्ण की उपस्थिति में सी। उसी प्रकार से ये एस सी एल एन टू यहां से सी सिक्स एच फाइव बी आर सी सिक्स एच फाइव बी आर प्लस एन टू और प्लस एस सी एल। ठीक, ये गाटरमान अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक, तो दोनों अभिक्रिया एक जैसी हैं, उपस्थिति में अंतर है, सैंड बार अभिक्रिया में उपस्थिति ऊपर श्रवण होता है जबकि गाटरमान अभिक्रिया में उपस्थिति ऊपर चूर्ण है। ठीक, जैसे आपको आयोडो बेंजीन बनानी है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया C6S5N डबल बॉन्ड में NCl, इसकी क्रिया Ki के साथ करा दो गर्म करने के बाद। आपको पता है KCl तो यहां से बाहर निकल जाएगी, N2 यहां से और I यहां जुड़ जाएगी, तो C6H5I आयोडो बेंजीन प्लस N2 और प्लस KCl, KCl। ठीक, नेक्स्ट नंबर तीसरी विधि है बनाने की, नंबर तीन में इसमें रासिंग प्रक्रम, रासिंग प्रक्रम। देखो यह क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। ठीक, यह क्लोरोबेंजीन, यह क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है, औद्योगिक विधि है, यह क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। देखो बेंजीन की क्रिया, जैसे बेंजीन है यहां पर H उपस्थित है, इसकी क्रिया HCl, HCl। ठीक, वह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ करा दो O2, CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब आपको पता है यहां एक बटा दो लगा दो, देखो एक है चेहरा, एक है चेहरा और O यहां से H2O, उसी है यहां जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगी, ये बेंजीन नहीं, यहां जोड़ दो Cl प्लस एक है चेहरा, एक H, दो H, O यहां से प्लस H2O, और ये क्या बन गई, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया ऐसी है वह ऑटो के साथ CuCl2 की, CuCl2 की उपस्थिति में कराने पर, उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है, क्लोरोबेंजीन बनती है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, नेक्स्ट नंबर फोर्थ, हुंसडीगर अभिक्रिया से, ये रिएक्शन पहले भी आई थी, हुंसडीगर अभिक्रिया से। ठीक, हुंसडीगर अभिक्रिया से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लोनों की क्रिया Br2 के साथ
CCl4 की उपस्थिति में रहने पर ब्रोमोबेंजीन बनती है। तो देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे बेंजीन वाला है, C डबल बॉन्ड में OOEG, ठीक। सिल्वर बेंजोएट, इसका नाम क्या है, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, ठीक, सिल्वर बेंजोएट। इसकी क्रिया Br2 के साथ करा दो, प्लस Br ब्रोमीन, किसकी उपस्थिति में, CCl4। देखो CO2 तो यहां से बाहर निकल जाएगी, Ag प्लस यहां से Br, यहां से AgBr, एक Br यहां जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, ये बेंजीन वाले यहां क्या जुड़ गई, Br प्लस CO2 और प्लस AgBr, AgBr, इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ठीक। तो एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की, ठीक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवणों की क्रिया, सिल्वर लवणों की क्रिया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में कराने पर, CCl4 की उपस्थिति में कराने पर ब्रोमोबेंजीन बनती है, ब्रोमोबेंजीन बनती है, ठीक। देखो अब है एरिल हैलाइडों के भौतिक गुण, एरिल हैलाइडों के भौतिक गुण, ठीक। देखो एरिल हैलाइड सामान्यतः रंगहीन तेलीय द्रव या ठोस होते हैं, एरिल हैलाइड सामान्यतः रंगहीन तेलीय द्रव या ठोस होते हैं, ठीक। इनमें अभिलाक्षणिक गंध पाई जाती है, इनमें अभिलाक्षणिक, इनमें अभिलाक्षणिक गंध पाई जाती है, ठीक। और ये जल में अविलय लेकिन कार्बनिक लाइगों में विलय होते हैं। नंबर 3, ये जल में अविलय लेकिन कार्बनिक मूलाइकों में, विलय होते हैं, ठीक। ये जल में अविलय लेकिन कार्बनिक मूलाइकों में विलय होते हैं। और देखो
इनके गलनांक एवं अवधनांक में वृद्धि होती है। अणु भार बढ़ने पर गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है, ठीक। अणु भार बढ़ने पर गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है, जैसे C6H5F है क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, C6H5I आयोडोबेंजीन, FCl Br। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका? आयोडोबेंजीन का, क्योंकि इसका अणु भार क्या है? ज्यादा, ठीक। नेक्स्ट देखो रासायनिक गुण, देखो हैलोएरीन सामान्यतः चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। हैलोएरीन सामान्यतः चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी? नंबर एक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नंबर दो धातुओं से अभिक्रिया, ठीक। नंबर तीन अपचयन अभिक्रिया, ठीक। और नंबर चार नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो फर्स्ट होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखो आपको एक बात बताई थी, इलेक्ट्रॉन स्नेह पर सुपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेह वहां जुड़ता है जहां पर कैसा चार्ज हो? माइनस हो, और वहां से किसी समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, अतः अभिक्रिया कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। एरी ले रहे ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एरिल एलाइड की या क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋण आवेश होता है। कल हमने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाई थी, उसमें ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋण आवेश होता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कहां पर संपन्न होगा? ऑर्थो व पैरा पर। तो इसमें कौन से उत्पाद बनेंगे? ऑर्थो व पैरा, ठीक। तो एरिल एलाइड
एरिलेलाइड है, एरिलेलाइड ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, एरिलेलाइड ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्योंकि एरिलेलाइड में यानी जैसे क्लोरोबेंजीन में अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का अटैक कहां पर होगा? ऑर्थो व पैरा पर, ऑर्थो पैरा उत्पाद बनेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मुख्य उदाहरण निम्न है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अभिक्रियाओं के मुख्य उदाहरण निम्न है। देखो मुख्य उदाहरण निम्न है, जैसे नंबर ए क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन यहां पर एच उपस्थित है, इसकी क्रिया सीएल टू के साथ करा दो, चलो सीएल सीएल ऐसे लिख देते हैं, किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल सीएल। ठीक, अब आपको बताया एच यहां से सीएल यहां से क्या बात निकल जाएगा? एस सीएल, एक सीएल यहां जुड़ जाएगा। ठीक, देखो यहां पर सीएल ये सीएल, एक इसी प्रकार से यहां पर पैरा पर एच यहां से सीएल यहां से फिर एसीएल बाहर निकल जाएगा प्लस। देखो ये सीएल सीएल और प्लस टू एसीएल, चलो बैलेंस कर लो इसको, यहां भी टू लगा दो यहां पर भी टू। ठीक, अब देखो इसमें इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसका क्या हो जाएगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1-2-3-4-1-4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, अब जैसे आपको पता है ये प्लस होता है तो ये क्या है? माइनस। जैसे ये माइनस तो ये क्या? प्लस। अब इसमें Cl प्लस ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर स्वयं पर प्लस चार्ज होता है, वहां जुड़ता है जहां पर माइनस चार्ज हो, यहां से H का प्रतिस्थापन हो जाएगा तो अभिक्रिया हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन है? Cl प्लस क्लोरोनियम आयन, और वलय पर हैलोजन जुड़ रहा है, अतः इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण, ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक, हैलोजनीकरण। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, जैसे ये क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया क्लोरोबेंजीन प्लस HONO2 सांद्र कंसंट्रेट HNO3, HNO3 किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4। अब आपको पता है ये माइनस और ये क्या है? प्लस। यहां पर H प्लस और ये माइनस, H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O, और क्या बन जाएगा? ये बेन CN, यहां क्या लगेगा? NO2 प्लस एक कहां पर? पैरा पर, पैरा पर। ठीक, CN और ये NO2 प्लस 2H2 2H2। तो देखो यहां कितने लगा दो? 2, यहां पर भी 2। ठीक, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन।
और इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया NO2+ और NO2+ जुड़ रहा है, अतः ये अभिक्रिया कौन सी होगी? नाइट्रीकरण है, ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, होगी नाइट्रीकरण। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन है CH, इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करा दो HOSO3H, ठीक, कंसंट्रेट H2SO4, आपको पता है यहां पर H है, ये माइनस और ये प्लस, H प्लस और ये माइनस, H प्लस यहां से OH माइनस यहां से H2 बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? देखो यहां पर क्या जुड़ रहा है Cl और ये SO3H, एक कहां पर? पैरा पर, ऑर्थो पैरा दोनों उत्पाद बनते हैं Cl SO3H प्लस 2H2O, बैलेंस कर लो, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, देखो इसका नाम क्या होगा? इसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, या 1N2 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक सल्फो जुड़ रहा है, अतः ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? सल्फोनीकरण है, ये सल्फोनीकरण हो गई, ठीक। इसी प्रकार से दो उदाहरण और हैं इसलिए देखो, ओके